डे इंडिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं एक नई कोचिंग में, आप देख सकते हैं एसटीसी सिग्मा टेक कंप्यूटर। आइए यहां के बच्चों से हम दो चार बात करेंगे और उनके सपनों के बारे में जानेंगे, उनका मकसद क्या है और किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन गोड़ है। और आप क्या बनना चाहते हैं सर? मैं टीचर बनना चाहता हूं। और कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं इस समय कंप्यूटर में? इस समय हम कंप्यूटर में एडीसीए कर रहे हैं। एडीसीए सर, थैंक यू, बैठ जाइए। आप बताइए आप लोग का नाम क्या सर? मेरा नाम विकेश है। आप कौन सा कोर्स करते हैं? एडीसीए कोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे जितने हैं सभी एडीसीए के स्टूडेंट हैं? यस सर। सभी लोग? यस सर। आप सभी लोग पढ़ेंगे मन से? यस सर। आइए हम यहाँ से कुछ सपना जान लेते हैं एडीसीए के छोड़कर। सर आगे चल के आप क्या बनेंगे? सर आगे चल के आईएएस। आईएएस बनेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा टेक कंप्यूटर का एक बच्चा है, इसके दिल में ये सपना है, ये आईएएस बनना चाहते हैं। बिल्कुल सर बनेंगे? यस सर। धोखा नहीं देंगे? नो सर। सच बोलेंगे? एकदम। ईमानदारी के साथ रहेंगे? यस सर। ओके सर, थैंक यू, बैठ जाइए। हम आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आइए हम यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे हाफिज जी बैठे हुए हैं, हम इन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे इनका सपना क्या है, ये भी इन बच्चों के साथ बैठकर कंप्यूटर का कोर्स करना है। सर बताइए आपका नाम क्या सबसे पहले? मशीदुर रहमान। आप क्या बनना चाहते हैं सर? कुछ है सपना? कुछ नहीं अभी, अभी फिलहाल ये कोर्स कर रहे हैं एडीसीए। यस। ओके सर, थैंक यू, बैठ जाइए। आप सर बता सकते हैं आपका नाम क्या है? अजय गिरी। क्या नाम है? अजय गिरी। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एडीसीए। आपको क्या बनना है सर? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर, देख सकते हैं ये भी बच्चा सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, एडीसीए करते हैं आप भी? यस सर। देख सकते हैं यहाँ के बच्चों, शायद सभी लोगों का सपना है। यस सर। ये यहाँ की खासियत है कि इन लोगों के पास यानी हर एक दिल में सपना है और सब कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है। यही अच्छी बात है कि स्टूडेंट आजकल के लोग सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, वो केवल स्टडी पे फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ के जो सिग्मा टेक के एक एक बच्चे के दिल में सपना है और कुछ अलग करना चाहते हैं। आइए हम फिलहाल बच्चियों से बात करना चाहेंगे, कैमरामैन हमारे साथ बने रहें। आप बताइए मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सालू गोड़ा है, मैं सिकरौड़ा से हूँ। आप क्या बनना चाहती हैं मैम? मैं एक टीचर वो खुद यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ और अभी तो फिलहाल। अच्छा, आप भी यूट्यूबर बनना चाहती हैं? यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर हैं, देख सकते हैं ये बच्ची यूट्यूब हैं और यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे काम करें। आप यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट चलाती हैं मैम? ओ कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से रिलेटेड, ये अच्छी बात है। ये जो बच्ची हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स भी डालती रहती हैं और ये अभी कंप्यूटर पढ़ रही हैं। कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? अच्छा। आप कंप्यूटर को किस नजरिए से देख रहे हैं? मतलब कि उसके फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर के लाइन में। कंप्यूटर बदलाव कर सकता है हमारी जिंदगी? यस। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। आइए हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है? माय नेम इज नीतू यादव, आई लिविंग प्राइम खालसा। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इसमें? अरे एडीसी। इसका मतलब यहाँ पे जितनी बच्चियाँ सभी लोग सर, सभी लोग एडीसी हैं? जी बिल्कुल सभी लोग। अच्छा बैठ जाइए। हम थोड़ा शॉर्ट किट पूछना चाह रहे थे, आप लोग बताइए कॉन्फिडेंस होकर, ठीक है? कंट्रोल प्लस एफ, एफ से क्या होगा बताइए? कंट्रोल प्लस एफ क्या बताइए? Fine. आप लोग क्यों डर रहे हैं? यहाँ आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, आगे चल के आपको बहुत बोलना है, ठीक है? जोश के साथ कॉन्फिडेंस होकर ठर ठर के बोलिए, एक साथ बोलिए, ठीक? जिसको पता है वही बोलो, ठीक? आप चाहिए कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा बताना चाहेंगे? सभी लोग को पता है? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हमें किसी नाम को चेंज करना है या कोई वर्ड को, तो हमें कौन सी शॉर्टकट अपनानी पड़ेगी बताइए? F5 से। बिल्कुल सही आंसर, देख सकते हैं इन बच्चों को शॉर्टकट भी पूरी तरह से याद है। मैंने तीन क्वेश्चन पूछा, तीनों का आंसर हमें मिला भरपूर, यही इसकी खासियत। सर बताना चाहेंगे ये ऐसे ट्रेंड कैसे हैं? ये ट्रेंड ऐसे इसलिए है सर कि एक तो खुद मेहनत करते हैं ये और लगातार हम लोगों की ये कोशिश होती है कि इस जो भी एरिया में जो बच्चे गांव से आते हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छे तरीके से दी जाए और जितने न्यूली आईटी गैजेट्स आते हैं, न्यू सिस्टम आते हैं, उसको इनको यूज़ कराया जाए जिससे ये कॉन्फिडेंट भी फील करें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे। ये देख चुका है, कैमरा में भी शूट हो चुका है, सभी के अंदर कॉन्फिडेंस है और आंसर दे रहे हैं, भरपूर आंसर दे रहे हैं। और यहाँ का आप डेकोरेशन देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल इन लोगों को सही व्यवस्था दी जाती है और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, कैमरामैन दिखाइए, हर एक बच्चे को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है और यहाँ प्रैक्टिकल भी होता है सर कंप्यूटर पे, यही इसकी खासियत है। और इसका डेकोरेशन इतना ही अच्छा, मैं क्या कहूँ, कोई यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं है, पंखे के साथ एक अच्छा डेकोरेशन है और सजावट भी है और बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस वो नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। ये आप बताइए लास्ट क्वेश्चन, भारत को चेंज करेंगे? यस सर। आप लोग भारत के फ्यूचर हैं? यस सर। देखिए आप ही लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लोग समाज से अब थोड़ा ऊपर हैं,
तो आप ही की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको देश को बदलना है और अपना नाम रोशन करना, अपने माता पिता का, अपने गांव का, तो भारत को बदलेंगे। यस सर। हमें इन सब से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये सारे कंप्यूटर के स्टूडेंट है इस समय है और ये आगे पढ़ रहे हैं। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं स्कूल में? यस सर। कौन कॉलेज में इस समय? कॉलेज में आप हैं? फर्स्ट ईयर की हैं आप? नहीं, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर देख सकते हैं ये बच्ची थर्ड ईयर की है। क्या कर रहे हैं? बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी कर रहे हैं आप सर? मैं सर मतलब कि एक ही सब्जेक्ट से मतलब कि बायो पढ़ रहा हूँ। बायो पढ़ में मतलब कि इंटर में था तो मैथ से हो गया था ना, तो मतलब वो मेडिकल लाइन में जाना है। अच्छा, ये मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं कि सब्जेक्ट से पढ़ना है, बायो से पढ़ना है सर? ठीक है, चलिए आप लोगों से बात करके हमें अच्छा लगा। हमारे साथ बने रहे जनता की बात जनता तक, जस्ट फॉर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।